बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अंडा मलाई बनाने वाली हूँ, जिसके लिए हमने 5 अंडे लिया है। इसे हमने अच्छे से बॉईल कर लिया है और इसके छिलके भी निकाल लिया है। और 2 बड़े साइज़ का हमने प्याज लिया है, और साथ ही इसमें 3 से 4 ग्रीन चिलीज है। इसे हमने मिक्स करके पेस्ट बना लिया है, और 2 टीस्पून हमारे अदरक लहसुन के पेस्ट है। और सूखे मसाले में हमारे है 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून गोलमिर्च की पाउडर, और टेस्ट के हिसाब से हमने सॉल्ट लिया है। हमने 1 कप मिल्क लिया है, जो 400 मिलीलीटर के करीब है। अब मैं बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। देखिए, हमारी कढ़ाई गर्म हो रही है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, ये आपसे हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। ये देखिए, हमारे पैन अच्छे से गर्म हो चुके हैं। इसमें हमने 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें प्याज और ग्रीन चिल्लीज़ के पेस्ट ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसे अच्छे से फ्राई करूंगी, जब इसमें अच्छे से थोड़ा कलर आ जाएंगे। ये देखिए, हमारे प्याज और ग्रीन चिल्लीज के पेस्ट जो है अभी फ्राई हो रहे हैं। ये देखिए, हमारे प्याज और ग्रीन चिल्लीज जो है अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, इसे कलर भी आप देख पा रहे होंगे। अब मैं इसमें अदरक लहसुन के पेस्ट ऐड कर दे रही हूँ। ये देखिए, हमने अदरक डाल के भी 30 से 45 सेकंड तक फ्राई कर लिया है। अब मैं इसमें सारे सूखे मसाले और सॉल्ट ऐड कर दे रही हूँ, और साथ ही मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दे रही हूँ। अब इन सारी चीज़ों को मैं अच्छे से भून लूँगी। ये देखिए, हमारे सारे मसाले जो है भून रहे हैं अच्छे से। अभी मैं इसे थोड़े से और भूनूंगी। ये देखिए, हमारे सारे मसाले अच्छे से भून चुके हैं। इसे हमने 3 से 4 मिनट तक अच्छे से भुना है। आप देख पा रहे होंगे अच्छे से कलर आ चुके हैं। अब मैं इसमें दूध ऐड कर दे रही हूँ। ये देखिए, हमने इसमें दूध डाल दिया है। जब इसमें अच्छे से बॉयल आ जाएंगे तो मैं इसमें अंडे ऐड करूँगी। ये देखिए, इसमें अच्छे से बॉयल आ चुके हैं। अब मैं इसमें अंडे ऐड कर दे रही हूँ। अंडे को हमने इस तरह से हाफ कट कर लिया है। मैं इसे इस तरह से डालती जा रही हूँ। ये देखिए, हमने सारे अंडे ऐड कर दिया है इस तरह से। अब मैं इसे ढक के 3 से 4 मिनट तक पकाऊंगी। इसे मैं कवर कर दे रही हूँ और गैस के फ्लेम को लो कर दे रही हूँ। ये देखिए, 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसे ओपन कर रही हूँ। और मैं इसे फ़्लिप कर दे रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता। आप इसे बहुत ही केयरफुली फ़्लिप करें। मैं इसी तरह सारी कर ले रही हूँ। ये देखिए, हमने सारे को अच्छे से फ़्लिप कर दिया है। अब मैं इसमें इस पॉइंट पे घी ऐड कर दे रही हूँ। मैं 1 टीस्पून घी ऐड की हूँ, साथ ही मैं इसमें हरे धनिया भी ऐड कर दे रही हूँ। अब मैं इसे आहिस्ता आहिस्ता मिक्स कर दे रही हूँ। ये देखिए, हमने हरे धनिया को भी आहिस्ता आहिस्ता मिक्स कर लिया है, ऊपर नीचे करके। बहुत केयरफुली हमने इसे मिक्स किया है। अब मैं इसे ढक करके 1.5 से 2 मिनट के लिए पकाऊंगी। ये देखिए, 1.5 से 2 मिनट हो चुके हैं। मैं इसे ओपन कर रही हूँ। ये अच्छे से कुक हो चुके हैं, इसमें हरे धनिया का फ्लेवर भी आ चुके हैं। अब मैं इसे गैस के फ्लेम को ऑफ़ कर दे रही हूँ। ये देखिए, हमारे अंडा मलाई बनकर तैयार हो चुके हैं, जो बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। अब इंग्रेडिएंट सिमट जाते हैं, बहुत ही लाइट होते हैं। इसे आप सिंपल पूरी के साथ, पराठे के साथ, नान के साथ इन्जॉय कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ आपसे लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।